हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं राकेश कुमार आज फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देखते आ रहे थे कि मैं हर एक क्लास से आपको ड्राइंग के बारे में बताते आ रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से आप आज भी नए ड्राइंग के बारे में जानेंगे। इसमें कुछ आपको अंदर भी दिखेगा जो कि मैं ड्राइंग को धीरे धीरे इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। आप पहले बेसिक में जैसा भी ड्राइंग सीखे हैं, जो भी बनाए हैं, उसे आप धीरे धीरे अपने आप में फिर चेंज भी करते जाएंगे कि आगे की जानकारी को देखते हुए। तो जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे इस आइसोमेट्रिक के बारे में, तो आइए हम लोग बात करते हैं। पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एलिवेशन, ये स्लाइड एंड ये प्लान। फ्रंट व्यू को बच्चों एलिवेशन भी कहते हैं, साइड व्यू को साइड ही कहते हैं, एंड टॉप व्यू को हम फ्लांग भी कहते हैं। ये भी चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि फ्रंट को हम फ्रंट ही कहते नहीं, एलिवेशन भी कहते जानते हैं, साइड को साइड तो कहते ही है, एंड टॉप को हम फ्लांग भी कहते जानते हैं। दूसरी बात, अगर ये एलिवेशन साइड फ्लांग ना हो तो हम फ्रंट को कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया हुआ होगा, उससे भी हम फ्रंट को पहचान सकते हैं। ए बी सी दिया हुआ होगा, उससे भी हम फ्रंट को पहचानते हैं। अगर वो सब कुछ भी मेंशन ना किया हुआ हो तो हम सिर्फ एरो, आप देखेंगे कि तीनों में से कोई साइड में कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो एक एरो इंडिकेट किया हुआ होगा, यही एरो आपको बताएगा कि हमारा फ्रंट व्यू कौन सा है। ठीक है, ऐसे ज्यादातर आपको दिखेगा ही कि फ्रंट व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा है, वो आपको लिखा हुआ मेंशन मिलेगा ही। अब हम बात करते हैं इस ड्राइंग के बारे में। तो इस ड्राइंग का आप देख रहे हैं कि टोटल लेंथ जो है आपका, टोटल लेंथ आपका क्या दिया हुआ है 40 mm, टोटल ब्रेथ आपका दिया हुआ है 30 mm, एंड टोटल हाइट आपका क्या है 25 mm। सबसे पहले इसके डायमेंशन को हम बारीकी से समझेंगे, उसके बाद ही हम ऑर्थोग्राफिक की ओर चलेंगे। तीन डायमेंशन आपने देखा कि टोटल ब्रेथ लेंथ जो था 40 mm था, टोटल ब्रेथ जो 30 mm था, एंड टोटल हाइट जो आपका है 25 mm था। अब इंटरनल डायमेंशन के बारे में देखते हैं कि ये पॉइंट से यहां तक का जो हाइट दिया हुआ है वो क्या है 10 mm, ये पॉइंट से यहां तक का जो हाइट दिया हुआ है 10 mm, ये पॉइंट से जो दूरी दिया हुआ है वो 10 mm, इसके बीच का दूरी भी 10 mm, एंड ये हाइट भी 10 mm। तो आप देख पा रहे होंगे कि तीन स्टेप वर्टिकली शेप में जो तीन स्टेप 10, 10 और 10 दिया हुआ है, क्लियर है, लेकिन इसका टोटल हाइट जो है वो 25 भी है। तो हमको बीच का डायमेंशन कहां पकड़ना है उस चीज को आप देखेंगे कि ये जो यहां से 10 mm गया हुआ है ऊपर, उसके बाद ये 10 mm ऊपर गया हुआ है। ठीक है, फिर क्या क्या हुआ, यहां से जो डायमेंशन दिख रहा है ये हमारा 5 mm का होगा, तो ही जाके ये 10 mm होगा। ध्यान से समझिएगा, टोटल हाइट जो आपका क्या था 25 mm, लेकिन हमारा यहां से यहां तक का जो दूरी दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 20 mm, बाद का 5 mm हमारा दिखना चाहिए। तो ये 5 mm के बाद ये आप देख रहे हैं कि 10 mm ऊपर गया हुआ है, तो यानी ऊपर का जो भाग दिख रहा है 5 mm वो मिलाकर हमारा 25 हो रहा है। क्योंकि हम 10 इसको कब काउंट करते हैं, जब इसी पॉइंट से हमारा एक हाइट 10 mm का गया हुआ होता तो हम 10 काउंट करते तो हमारा 30 mm होता, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट से 5 mm पहले नीचे गया हुआ है, उसके बाद 10 mm ऊपर गया हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल हाइट आपका क्या होगा 25 ही होगा। जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 10 गया है, इस 10 के बाद का जो हाइट गया हुआ है ठीक उसी हाइट से ऊपर जो हाइट गया हुआ है वो 10 mm है। तो हमने इसे 10 और 10 काउंट किया, लेकिन नेक्स्ट जो पोर्शन है वो इसी 10 mm में पहले 5 mm डाउन की ओर गया हुआ है, उसके बाद 10 mm ऊपर गया है। तो कोई भी चीज आप देखेंगे कि यहां से अगर पहले हाइट ये 10 mm गया है और 10 mm हाइट से ये 5 mm नीचे आके फिर 10 mm अगर ये जाता है तो हमारा काउंट जो होगा ये 5 mm में नहीं होगा, इस 5 mm के ऊपर वाले हाइट को ही काउंट करते हैं हम, क्लियर है। तो ही यहां पर आपका जो डायमेंशन दिख रहा है 25 दिख रहा है। चौड़ाई आप देख रहे हैं कि टोटल चौड़ाई इसका ये भी 30 में, ये भी 30 में, ये भी 30 में, यानी कि कुल मिलाकर इसका चौड़ाई 30 mm का है,
इसका जो लंबाई टोटल जो है वो 40 mm का है। तो कैसे 40 है, यहां से यहां तक का दूरी आप देख पा रहे हैं 10 mm, ये दूरी आप देख पा रहे हैं 10 mm, दो डायमेंशन 10 mm का दिया हुआ है, तो ये भी हमारा 10 होगा, तो 10 10 10 ये 30 और प्लस ये 10 आपका मिलकर 40 हो रहा है। क्लियर है, आप यहां पर डायमेंशन हो सकते तो दे सकते हैं 10 mm, तो ये 10 ये 10 एंड ये 10 30 प्लस ये 10 तो ही जाके ये 40। क्लियर हो गया, तो हम यहां सारे डायमेंशन के बारे में देख लिए हैं कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है उसका लेंथ की ओर से क्या डायमेंशन है, वेथ की ओर से क्या डायमेंशन एंड हाइट की ओर से क्या डायमेंशन है। क्लियर है, यहाँ डायमेंशन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने आइसोमेट्रिक को समझने का, यानी कि हम इसका जब ऑर्थोग्राफिक ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमें फोकस करना होगा फुल्ली रूप से अपने आइसोमेट्रिक पे, क्योंकि जब तक उस आइसोमेट्रिक को हम नहीं समझेंगे कि फ्रंट से क्या दिख रहा है, साइड से क्या दिख रहा है एंड टॉप से क्या दिख रहा है, तो हम ऑर्थोग्राफिक को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आप देखेंगे इस आइसोमेट्रिक को कि इस साइड से जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, एक F, कैपिटल लेटर F जो होता है वो F के अनुसार देख पा रहे हैं कि ये भाग जो आपका फ्रंट की ओर से दिख रहा है। ठीक है, साइड की ओर से जब आप देख रहे हैं तो 10-10 एमएम का जो आपका एक 30 mm के दूरी में बिट है, एक बिट ये दिख रहा है, दूसरा बिट ये दिख रहा है एंड तीसरा बिट ये दिख रहा है। तो इसको आप कलर के माध्यम से अगर समझेंगे तो देखिए कि साइड की ओर से दिखने वाला जो भाग है वो भाग आपका क्या है, पहला बिट ये दिखा, दूसरा साइड के पोर्शन से जो आपका दिखेगा ये दूसरा बिट दिखा 10 mm 10 mm 20 mm, बचा हमारे पास क्या 5 mm, क्योंकि टोटल हाइट 25 mm का है। तो अब क्या देखेंगे आप कि ये जो 5 mm नीचे गया और 10 mm ऊपर गया है, तो 5 mm ऊपर होने के बाद का जो 5 mm होगा वो भाग हमारा दिखेगा। ठीक है, तो अभी तक बच्चों हम लोग जो देखते आते थे उसी चीज को बनाते थे, लेकिन आज का जो वीडियो हमारा बन रहा है, आज का जो हमारा आइसोमेट्रिक है, उस आइसोमेट्रिक में आपको कुछ नया भी जानने को मिलेगा कि जो दिख रहा है वो तो हम दिखाते ही है, लेकिन कुछ भाग जो होता है वो छिपता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 5 mm डाउन जो किया हुआ है, तो ये दीवार के कारण ये 5 mm डाउन वाला पोर्शन आपको साइड की ओर से नहीं दिख रहा है। तो उस नहीं दिखने वाले भाग को हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम काम करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। पहले हमारा आइसोमेट्रिक में क्लियर होना चाहिए कि दिख क्या क्या रहा है। तो ये तीन दीवार आपका फ्रंट की ओर से दिख रहा है, टॉप की ओर से अगर देखा जाए तो टॉप की ओर से मैं कलर कर दे रहा हूं व्हाइट से ही, इस तरह हैच कर दे रहा हूं ताकि आपको ये दिखे। पहला पोर्शन ये दिख रहा है आपको टॉप से, दूसरा पोर्शन आपको ये दिख रहा है टॉप से, क्लियर है, एंड तीसरा पोर्शन जो आपको ये भी भाग दिखेगा टॉप से, ये भी भाग जो है ऊपर से देखने पे दिखेगा एंड चौथा भाग जो आपका ये दिखेगा। तो जो भी आप देख पा रहे हैं, मैंने हैच से आपको दिखाया है कुछ इंडिकेट करके कि टॉप से जो भी दिखने वाला भाग था आपका, ये जो हैची का डिजाइन किया हुआ है उसी डिजाइन वाला पोर्शन आपको टॉप से दिख रहा है, एंड फ्रंट का मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं कि ये जो ब्लैक वाला भाग है ये आपको फ्रंट से दिखने वाला भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों पोर्शन आप समझ गए होंगे कि फ्रंट से हमारा क्या दिखने वाला भाग है, जो यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा होगा आपको एफ के अनुसार दिख रहा होगा, एफ के जैसा दिख रहा होगा ये भाग आपका फ्रंट का है, येलो कलर से जो हमने पेंट किया है वो आपका साइड का भाग है, एंड हैच करके जो हमने डिजाइनिंग किया है वो आपका जो है टॉप का भाग है। तो ये तीन पोर्शन सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो देख पा रहे हैं या हम जो आपको बता रहे हैं क्या दोनों टैली कर रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हो उसके अलावे आपको कुछ और समझ में आ रहा हो, या जो हम दिखाना चाह रहे हो वो ना दिख के कुछ और भी आपको दिख रहा हो।
तो आप बिल्कुल मेरे बातों पर फोकस करें कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ क्या वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ्रंट की ओर से इस साइड से जब हम इस वस्तु पे फोकस कर रहे हैं तो हमारा यही शेप बिल्कुल दिख रहा है। ये देखिए ये वाला शेप है ना फ्रंट की ओर से। साइड की ओर से जब हम इस वस्तु को देखेंगे तो एक दीवार हमें ये दिखेगा, उसके बाद का दीवार हमें ये दिखेगा एंड उसके बाद का दीवार हमें ये दिखेगा। क्लियर है साइड से। जब टॉप से जब हम देखते हैं तो क्या दिखेगा, ऊपर का ये छत, ये छत, दूसरा तीसरा ये छत एंड चौथा ये छत, यानी कि बेस वाला चीज जो होता है वो हमें टॉप से दिखता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसे चलते हैं ऑर्थोग्राफिक के प्रोसेस की ओर लेके। तो आइए हम बात करते हैं अपने ऑर्थोग्राफिक के लिए। तो आइसोमेट्रिक को हमने समझ लिया है, सबसे पहले क्या डायमेंशन था इसका, कौन सा भाग फ्रंट का था, कौन सा भाग साइड का था एंड कौन सा भाग टॉप का था। दिख हमें क्या क्या रहा था, फ्रंट से कौन सा पोर्शन दिख रहा है, साइड से कौन सा पोर्शन दिख रहा है एंड टॉप से कौन सा पोर्शन दिख रहा है। उसके डायमेंशन के बारे में भी हमने जाना कि जो भाग हमें फ्रंट से दिख रहा है उसका क्या डायमेंशन है, जो साइड से दिख रहा है उसका क्या डायमेंशन है एंड जो टॉप से दिख रहा है उसका क्या डायमेंशन है। तो अब हमको करना क्या है, अब अपने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करना है। तो ऑर्थोग्राफिक के लिए आप देख रहे होंगे सबसे पहले आपको फोर्थ क्वाड्रेंट एक लाइन खींचना होगा, जो कि तीन तीन लाइन के गैप में ये लाइन खींचा जाता है। ये हर एक लाइन के बीच का गैप का जो दूरी होगा बच्चों वो होगा 10 mm का। कितना, यानी एक लाइन से दूसरे लाइन का जो गैप होगा 10 mm एंड दूसरे से तीसरे लाइन का गैप होगा 10 mm। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट को आपको लाइन करना है। उसके बाद देखना है कि आपको आइसोमेट्रिक में फ्रंट व्यू किधर दिखाया गया है, साइड व्यू किधर दिखाया गया है एंड टॉप व्यू किधर दिखाया गया। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि राइट साइड की ओर, राइट साइड की ओर थर्ड एंगल में जब भी हम लोग बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आइसोमेट्रिक में जिस ओर हमारा फ्रंट साइड या टॉप लिखा हुआ होता है ठीक ऑर्थोग्राफिक में भी हम उसी साइड को फॉलो करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ राइट साइड की ओर हमारा फ्रंट लिखा हुआ है ना, तो राइट साइड की ओर हम यहाँ पे फ्रंट को ड्रॉ करेंगे। लेफ्ट साइड की ओर साइड का पोर्शन है तो लेफ्ट साइड में हमारा साइड ड्रॉ होगा एंड फ्रंट के ऊपर हमारा टॉप होता है तो फ्रंट के ऊपर हमारा ये टॉप होगा। तीन भाग हमने देख लिया कि इस पोर्शन में हमारा फ्रंट बनेगा, यहाँ पर साइड बनेगा एंड यहाँ पर टॉप बनेगा। अब बनेगा कैसे उस चीज को देखेंगे। तो फ्रंट से आप देख रहे हैं इस वस्तु को, तो फ्रंट से देखने पर आपको किस किस पोर्शन को देखना देख पा रहे हैं आप उस चीज को देखना है कि ये आप लेंथ के भाग को देख पा रहे हैं, ये हाइट के भाग को देख पा रहे हैं। यानी कि फ्रंट से जब हम इस वस्तु को देखें तो हमको इसका लंबाई पता चल रहा है और ऊंचाई पता चल रहा है। तो बस यही चीज को आपको मेंशन करना है फ्रंट के लिए, लंबाई और ऊंचाई, यही दो चीज आपको फ्रंट की ओर से दिख रहा है। अब लंबाई है टोटल कितना, 40 mm। तो लंबाई यहां पे हम 40 mm लिख लेंगे। ऊंचाई टोटल कितना है, 25 mm। तो ऊंचाई टोटल 25 mm। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं साइड की ओर। तो साइड से जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि ये साइड से देखने पर इसका चौड़ाई दिख रहा है और इसका ऊंचाई दिख रहा है। तो साइड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये विड्थ और ये हाइट। विड्थ हमारा था कितना, 30, यहां पर 30 मेंशन करेंगे एंड हाइट पर हमारा वो 25 था, हाइट जो था वो 25 था। तो ये जो साइज प्राप्त हुआ ये साइज हमारा साइड व्यू के लिए है एंड ये जो साइज प्राप्त हुआ ये साइज हमारा फ्रंट व्यू के लिए है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉप व्यू के लिए। तो टॉप व्यू के लिए आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं हर एक क्लास में यही बता रहा हूँ कि टॉप से जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ एंड विड्थ को देखा जा सकता है, हाइट को कभी नहीं देखा जा सकता टॉप के लिए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो टॉप में आपको क्या पता चल रहा है कि ये लेंथ का एंड ये विड्थ का, जब हम ऊपर से देख रहे हैं इस वस्तु को तो क्लियर है। तो टॉप के लिए हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ विड्थ।
लेंथ है मेरा कितना 40, ये हमारा लेंथ 40 एंड ब्रेथ हमारा टोटल कितना था 30, ये 30। यहां तक हमने क्या किया, सिर्फ अपने ब्लॉक का साइज को प्राप्त किया कि फ्रंट बनाने के लिए हमें किस साइज का ब्लॉक चाहिए, साइड बनाने के लिए किस साइज का ब्लॉक चाहिए एंड टॉप बनाने के लिए किस साइज का ब्लॉक चाहिए। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले ब्लॉक को ड्रॉ करना है कि फ्रंट जो होगा वो लंबाई और चौड़ाई के अनुसार जो ब्लॉक में तैयार होगा उस ब्लॉक को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं ब्लॉक के बारे में। तो फ्रंट का सबसे पहले ध्यान देंगे तो फ्रंट में आप देख रहे हैं कि हाइट जो है 25 mm है। तो हाइट इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से 25 mm यहां पर पॉइंट कर लेंगे। आप अपने सेंटर स्क्वायर से माप लेंगे 25 mm, ठीक है। एंड जो आपका लेंथ जो था, लेंथ आप इस पॉइंट पे ले लेंगे कितना 40 mm। ये पॉइंट से यहां तक आप हाइट आए तो ये पॉइंट से भी नीचे आपको हाइट के लिए एक लाइन ड्रॉ करना है। लेंथ आप यहां से यहां आए तो इस पॉइंट से भी आपको लेंथ के लिए एक लाइन ड्रॉ करना है। ये आपका जो ब्लॉक बना लेंथ एंड हाइट को देखते हुए ये आपका फ्रंट व्यू के लिए ये ब्लॉक तैयार हो गया। साइड व्यू पे देखेंगे तो साइड व्यू पे भी क्या दिखाया गया, हाइट 25 mm। तो ये जो हाइट हमने लिया था इसी हाइट को हम फॉलो कर लेंगे सेंटर स्क्वायर से, या तो आप ऊपर से हाइट आप माप भी सकते हैं। तो हाइट हमारा था कितना 25 mm, विड्थ था हमारा कितना 30 mm। तो विड्थ को हम 30 mm पॉइंट कर लेंगे, कितना 30 mm। अब ये पॉइंट से हाइट आया है तो ये भी पॉइंट से हमारा एक हाइट आएगा, क्लियर है। ये पॉइंट से विड्थ क्या है तो ये भी पॉइंट से एक विड्थ के लिए लाइन खींचेंगे हम, ये। तो यानी ये जो साइड ब्लॉक जो बना है वो ब्लॉक हमारा किसके लिए बना है, साइड व्यू के लिए। अब टॉप व्यू के लिए देखेंगे तो टॉप व्यू में हमारा क्या था, लेंथ एंड विड्थ। लेंथ कितना था 40, तो फ्रंट का भी आप लेंथ देख रहे थे कि इस पोर्शन में दिया गया था 40 mm, क्लियर है। तो फ्रंट का जो लेंथ था वो 40 था, तो टॉप में भी हम देख रहे थे कि फ्रंट का जो हमारा लेंथ था 40 mm था, टॉप में भी हमें लेंथ चाहिए 40 mm का। तो टॉप का भी जो लेंथ होगा इसी पॉइंट से 40 mm होगा, या तो आप सेंटर स्क्वायर से ये 40 को फॉलो करके यहाँ पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने 40 किया, ये पॉइंट किया, तो यहां से एक लाइन हमारा आएगा ऐसे ड्रॉ होगा। एंड लेंथ 40 लेने के बाद इसका बचा विड्थ कितना 30, तो विड्थ हमारा इस भाग में आएगा 30, विड्थ 30। तो यहां से क्या करेंगे 30 mm ऊपर पॉइंट कर देंगे, और 30 mm ऊपर पॉइंट करने के बाद एक लाइन 30 mm का ड्रॉ कर देंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि जो भी यहाँ पर हमारा ब्लॉक तैयार हुआ है वो अपने आइसोमेट्रिक की साइज को देखते हुए, आइसोमेट्रिक के अनुसार जो हमारा डायमेंशन बताया गया था उसी डायमेंशन को देखते हुए यहाँ पर हमारे ये ऑर्थोग्राफिक का ब्लॉक तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ब्लॉक कैसे बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की ओर, जो हमारा आइसोमेट्रिक दिया हुआ है उसको हम ऑर्थोग्राफिक में कैसे पुट करेंगे। तो देखिए पहली बात करेंगे फ्रंट का, तो फ्रंट की ओर से आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका लेफ्ट पोर्शन एंड ये राइट पोर्शन, ठीक है। लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का जो आपका दूरी दिखाया गया है, क्या है दूरी 40 mm का। तो ये भी आपका लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का दूरी, यहाँ पर लेफ्ट ये राइट, दूरी आपका क्या है 40 mm, आपको खींचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हाइट दिया गया है 10 mm, तो हम भी क्या करेंगे यहां से 10 mm पॉइंट करेंगे। 10 mm पॉइंट करने के बाद राइट साइड की ओर आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड से हमने 10 mm लिया है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर 10 mm की दूरी में लाइन दिया हुआ, जो कि ये दूरी 10 mm का है। तो यहां से हम भी करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 10 mm का, क्लियर है। 10 mm का ड्रॉ करने के बाद फिर जो आपका ये हाइट दिया है वो हाइट क्या है
10 एम एम का, तो यहां से हम हाइट 10 एम एम का लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जो भी हम यहां से चल रहे हैं ये 10, ये हाइट 10, फिर जो आपका ये दूरी क्या है यहां से ये 10 एम एम, ये पॉइंट यहां से वापस नीचे 5 एम एम। अब देख पा रहे हैं कि इस साइड से कि ये जो हाइट आपका 10 का था ये 10 का था, तो इसके बाद का हमारा हाइट 5 एमएम ही दिखेगा तो ही 25 होगा, यानी कि ये जब तक 5 एमएम नीचे नहीं आएगा ये 10 एमएम ऊपर गया है तो 5 एमएम ही इसका हाइट होगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये 5 एमएम है, उसके बाद क्या किया गया, फिर से वापस 10 एमएम, फिर से वापस 10 एमएम, और 10 एमएम वापस उठने के बाद ये जो इसका हाइट था वो 10 एमएम के हाइट में दिया गया है, ये जो इसका हाइट था वो 10 एमएम के हाइट में है। देख पा रहे हैं कि ये जो एफ शेप का जो आपका पोर्शन है ना, यही एफ शेप का पोर्शन आपका यहाँ पर दिख रहा है, देख रहे होंगे आप। तो आप देख रहे हैं कि जो भी आपका फ्रंट का देखने वाला पोर्शन था जो एफ शेप के आकार में, तो हमने किया क्या, लेफ्ट पॉइंट एंड राइट पॉइंट को माना, यहाँ पर लेफ्ट पॉइंट एंड राइट पॉइंट, लेफ्ट पॉइंट से एक लाइन को फॉलो करते गया उसके डायमेंशन के अनुसार, उस लाइन को फॉलो करते हुए हमारा जो व्यू तैयार हुआ है वो फ्रंट व्यू का यहाँ पर पोर्शन आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको करना क्या है, तो जो भी एक्स्ट्रा लाइन है यानी कि इस एफ को देखते हुए इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसे आपको रफ करके हटा लेना है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका फ्रंट व्यू यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो आपको भी समझ में आ रहा हो कि जो हमने यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया है कि फ्रंट व्यू से क्या दिख रहा है, ठीक वही चीज यहाँ पर हमने ड्रॉ करके भी दिखाया कि फ्रंट से देखने पर हमें यहाँ पर दिख क्या रहा है। अब हम बात करते हैं साइड की ओर, साइड के लिए जब हम बात करेंगे तो साइड में आप देख रहे होंगे कि ये आपका लेफ्ट पॉइंट आपका राइट पॉइंट। अब हमारा जो साइड के लिए पोजीशन चेंज हो चुका है, पहले हम उस साइड खड़े होकर देख रहे थे इस फ्रंट के लिए, अब हम साइड की ओर आके देख रहे हैं। तो ये हमारा लेफ्ट पॉइंट, ये राइट पॉइंट, समझेंगे इसको भी, ये लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक का जो दूरी है वो क्या है 30 एम एम, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक का जो दूरी है हमारा क्या है 30 एम एम, हाइट टोटल क्या था 25, ये भी हाइट आपका क्या था 25, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि लेफ्ट पॉइंट से एक हाइट हमारा क्या हुआ है 10 एमएम का, राइट पॉइंट से भी एक हाइट क्या हुआ है 10 एमएम का। तो आप देख रहे होंगे कि यही 10 एमएम का हाइट हमने फ्रंट व्यू में भी दिखाया था, तो या तो आप इसी हाइट को फॉलो कर रहे हैं 10 एमएम, या तो आप नीचे से पॉइंट भी कर सकते हैं 10 एमएम, 10 एमएम पॉइंट करने के बाद आप क्या करेंगे एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन का जो पहला भाग जो आपको दिखा वो भाग आपका इस पोर्शन के लिए था, इसके बाद का ऊंचाई जो हमारा क्या दिख रहा है 10 एमएम, यानी कि इसी लेफ्ट पॉइंट से भी फिर 10 एमएम ऊपर, राइट पॉइंट से भी 10 एमएम ऊपर, यहां से हम क्या करेंगे लेफ्ट पॉइंट से भी 10 एमएम ऊपर, राइट पॉइंट से भी 10 एमएम ऊपर पॉइंट कर लेंगे, ये 10 एमएम को यहां से ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि एक भाग ये दिखा जो कि भाग ये वाला था, दूसरा भाग आपका ये दिखा जो कि दूसरा भाग आपका ये वाला था, है ना। यहां से फ्रंट को भी आप फॉलो करते चलेंगे, तो अब फ्रंट को भी यहां से आप देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, तो पहला जो पोर्शन ये साइड वाला था वो पोर्शन आपका ये पोर्शन है, कितने की दूरी में 30 एमएम के, 30 एमएम के दूरी में। दूसरा जो पोर्शन दिखा आपको ये पोर्शन था, यही पोर्शन आप देख पा रहे थे कि फ्रंट से जो कॉर्नर था वो कॉर्नर ये था, फ्रंट से भाग का ये कॉर्नर वो कॉर्नर ये था। अब बचेगा ऊपर का भाग, तो ऊपर के लिए हम पहले जानेंगे कि ऊपर से जो हमारा दिख क्या रहा है, ये 10, ये 10 और ये 5 भी हमारा दिख रहा है ना, ये हमारा था 10 एमएम, ये था 10 एमएम और
ये 5 ही होगा तो ही जाके ये हमारा 25 होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर डायमेंशन क्या दिया हुआ है 10 mm, यानी क्या किया हुआ है यहाँ पर आप समझिए इस चीज को, कि ये जो पॉइंट इसको दिखा रहा है ये पॉइंट फिर वापस 5 mm नीचे गया हुआ है, जो कि ये नीचे वाला कॉर्नर आपको साइड की ओर से नहीं दिख पा रहा है। समझ पा रहा है, ये 10 mm पे पॉइंट पे आने के बाद 5 mm जो है नीचे गया हुआ है, जो कि ये दीवार के कारण आपको साइड से ये 5 mm का नीचे का स्लॉट नहीं दिख पा रहा है। तो इस नीचे वाले भाग को यानी छिपे हुए भाग को हम किस लाइन से दिखाते हैं, तो छिपे हुए भाग को हम लोग हिडन लाइन से दिखाते हैं। कौन सा लाइन? हिडन लाइन, जिसे अदृश्य रेखा कहते हैं। क्लियर है? तो हिडन लाइन को हमें कहां से कहां तक देना है, तो हिडन लाइन के बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि हिडन लाइन का काम होता है जहां से जो वस्तु छिपना स्टार्ट होता है और जहां तक छिपता है वो लाइन भी उस पॉइंट से उस पॉइंट तक ही पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्लॉट था, ये स्लॉट हमारा छिपना कहां से स्टार्ट हुआ, 5 mm नीचे से ये स्लॉट स्टार्ट हुआ है, और ये स्लॉट पूरा 30 mm की दूरी में, यानी कि पूरे की दूरी में दिया हुआ है। जिस प्रकार ये 5 mm नीचे आए, तो यहां से हम भी 5 mm नीचे पॉइंट करेंगे दोनों साइड, और इसे भी हिडन लाइन, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हिडन लाइन, ये हिडन लाइन जो होता है डैश डैश के रूप में दिया जाता है। इस लाइन को देख के यही पता चलता है कि साइड की ओर से कुछ छिपने वाला भाग था जो हमें दिख नहीं पा रहा था, उसी भाग को यहाँ पर हिडन लाइन के माध्यम से दर्शाया गया। क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन था यहाँ से जो 5 mm नीचे आया गया एक स्लॉट पर हुआ है, तो ये 5 mm नीचे के भाग को हम इस दीवार के कारण नहीं देख पा रहे थे, तो उसी स्लॉट को हम हिडन लाइन के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया। तो हिडन लाइन जो होता है वो सिर्फ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में यूज होता है। क्यों? क्योंकि आइसोमेट्रिक के लिए हमारा कोई भी भाग छिपा हुआ नहीं होता है, आइसोमेट्रिक में हम हर एक भाग को देख सकते हैं, लेकिन वो भाग छिपता कब है, जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जाते हैं, जब हम हर एक पोर्शन को एक एक साइड करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि साइड से जो आपका दिखने वाला व्यू था वही था, एक नंबर का ये पोर्शन ये, दूसरा नंबर का ये आपका दूसरा नंबर, एंड इसके जो ऊपर का जो भाग दिखा वो भाग आपका ये था तीसरा नंबर का। ये 5 mm तक की दूरी को तो ये छिपा लिया ये दीवार, उसके बाद का जो दीवार दिख रहा था वो दीवार आपका ये था, लेकिन उसके 5 mm के नीचे के जो भाग जो छिपा हुआ था उसको हमने 5 mm नीचे के भाग में यहाँ पे हिडन से दर्शा दिया है। क्लियर है? अब हम चलते हैं टॉप की ओर। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा भाग मेरा छिप रहा है और कहां से कहां तक छिप रहा है, कैसे उसको दर्शाए। यहाँ पर तो आपको एक सिंपल सा दिया हुआ है, आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको बहुत ही बारीकी से बारीकी हिडन आपको दिखेगा, और उस हिडन को आपको समझना होगा, जानना होगा। क्योंकि हिडन को आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पुट कर पा रहे हैं, तो आपका वो ड्राइंग बिल्कुल गलत होगा। सबसे पहला काम दिखना, तो जो दिखता है वो तो बना ही लेते हैं हम, लेकिन जो नहीं दिख पा रहा है उसको समझना बहुत बड़ी बात होती है, तो उसको आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं टॉप के लिए। तो टॉप के लिए हमने आपको बताया कि टॉप जो फ्रंट के ऊपर बनता है, तो टॉप का फोकस भी हम फ्रंट के ओर से ही करते हैं। साइड की ओर से करेंगे तो थोड़ा आप कंफ्यूज आप हो सकते हैं, हालांकि दिक्कत कहीं नहीं है, लेकिन जो फ्रंट की ओर से ही टॉप पे फोकस करेंगे तो आप आसानी पूर्वक टॉप को समझ पाएंगे। टॉप के लिए हमें चाहिए था क्या? ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। लंबाई में हमें टॉप से दिख क्या रहा है, 1 10 mm, दूसरा 10 mm, तीसरा 10 mm एंड चौथा 10 mm। क्लियर है? यही 10 10 mm वाला पोर्शन आपको फ्रंट से तो दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही चार भाग आपको टॉप में दर्शाना है जो फ्रंट की ओर से दिख रहा है। तो आपको करना क्या, आप समझ चुके होंगे कि आपको करना क्या है, ये पॉइंट से यहाँ पर ये पॉइंट को फॉलो करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट से फॉलो करेंगे, एक पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ। ये आप चाहे तो आप सेंटर स्क्वायर से फॉलो कर सकते हैं, या तो आप 10 10 mm का पॉइंट ले सकते हैं, जो भी डायमेंशन दिया हुआ हो, यहाँ पर 10 10 mm का दिया हुआ है तो 10 10 mm का पॉइंट कर सकते हैं। अब ये पॉइंट तो हमने निकाल लिया,
कि लेफ्ट पॉइंट के नीचे वाले भाग से, लेफ्ट पॉइंट के नीचे वाले भाग से जो 30 mm का जो दूरी दिया हुआ है, ये 30 mm की दूरी में, ये सारे पोर्शन को 30 mm की दूरी में ही दर्शाया गया। आप देख पा रहे हो जो भी लाइन आपका दिया हुआ है वो 30 mm की दूरी में, तो आपको भी करना क्या है, सेट स्क्वायर से सारे पॉइंट को 30 mm की दूरी में दर्शा देना है। तो टॉप से आपका दिखने वाला भाग क्या था, टॉप से आपका दिखने वाला भाग था पहला पॉइंट करके भी बता दे रहा हूं, ये दूसरा, ये दूसरा भाग, ये तीसरा, ये तीसरा भाग और ये चौथा, ये चौथा। पोर्शन तो आप देख रहे हैं कितने दूरी में क्या था, तो 10-10 mm के गैप में, 10-10 mm के गैप में 30 mm की दूरी तक, ये जो सारा डिस्टेंस आप देख पा रहे हो 30 mm, 30 mm की दूरी पर। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो भी इस आइसोमेट्रिक में दिखने वाला भाग था वो हमने आसानी पूर्वक दिखाया, और सिर्फ एक साइड का जो स्लॉट था वो स्लॉट हमारा छिप रहा था, जो कि हमने उस छिपे हुए भाग को हिडन के रूप में दर्शाया है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आज एक हिडन वाला आपको दिखाया हूँ कि एक हिडन को आप समझ जाएंगे तो बाकी हिडन को आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी, लेकिन अभी मैं शुरुआती दौर पे आप चल रहे हैं तो एक हिडन ही अगर आप समझ ले अच्छे से वो बहुत होता है, ताकि अगले समय में जो आपको हिडन दिखे, किसी ड्राइंग में 2 हिडन दिखे, किसी ड्राइंग में 3 हिडन दिखे, किसी ड्राइंग में 4 हिडन दिखे, तो आप सबसे पहले हिडन को समझिए कि दिख क्या रहा है और छिप क्या रहा है, और छिपा हुआ भी अगर आप समझ रहे हैं तो वो कहां से कहां तक छिप रहा है, इस चीज को आपको जानना होगा, क्योंकि हिडन लाइन जो होता है ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक ही पड़ता है। समझ में आ रहा, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये डस्टर, और ये डस्टर के पीछे ये चौक रखा हुआ है, ठीक है, इस डस्टर के पीछे ये चौक रखा हुआ है, तो ये डस्टर जितना भाग चौक का छिपा पा रहा है, समझ पा रहे हैं, आप आगे से देख रहे हैं तो ये डस्टर का जो हाइट है उसी हाइट तक का चौक को छिपा पा रहा है, तो हिडन भी डस्टर के हाइट तक का ही देंगे, ऐसा नहीं कि छिपना स्टार्ट हुआ यहां से तो हिडन ऊपर से ही स्टार्ट कर दें, छिपा यहां तक तो हिडन नीचे तक ले। कहने का मतलब है कि जहां पर जिस वस्तु को काटा जाता है स्क्रैच भी वहीं पर पड़ता है, ना कि इस भाग को काटा जाए तो यहां पर स्क्रैच पड़ता है, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है, जिस पोर्शन से जिस पोर्शन तक कटता है जो वस्तु, स्क्रैच भी उस पर या कटने का दाग भी कहिए कि उसी पॉइंट से उसी पॉइंट तक पड़ता, बस उसी चीज को समझ के आपको हिडन लाइन पुट करना है, यानी जहां से छिपना स्टार्ट हुआ और जहां तक छिपा, हिडन लाइन को भी हम वहां से वहीं तक ही यूज करते हैं। क्लियर है, तो आप देख लिया होंगे आज के आइसोमेट्रिक में कि आपको जो दिखने वाला भाग था वो भी हमने ड्रॉ किया, एंड कुछ छिपने वाला भी भाग था उसको भी आज हम लोग जाने हैं। तो आप भी घर पे बैठे प्रैक्टिस करें, आप आइसोमेट्रिक का कलेक्शन अगर आपके पास नहीं है तो हमारे आइसोमेट्रिक को स्क्रीनशॉट लें, सारे डायमेंशन यहाँ पर फिलअप किया हुआ है, डायमेंशन भी मैंने आपको क्लियर रूप से बताया है, और इस आइसोमेट्रिक को देख के खुद से ऑर्थोग्राफिक ड्रॉ करने की कोशिश करें, क्योंकि वीडियो देखना और नहीं देखना इससे कोई अंतर नहीं होता है, वीडियो देख कर भी आप अगर खुद पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खुद से बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वीडियो देखकर भी आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। वीडियो एक जरिया है आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन आपको खुद से कॉपी पे उसे सेट स्क्वायर पेंसिल रबर कटर उठा के फॉलो करना होगा, सिर्फ देख लेना सुन लेना ये ड्राइंग में आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा भी सब्जेक्ट नहीं है कि आज हम क्वेश्चन ये पढ़े, ये क्वेश्चन सुन लिए, हमको याद हो गया, कॉपी पे लिखने कोई जरूरत नहीं है, ये ड्राइंग है, इसको आपको कॉपी पर लाना ही होगा, आप वीडियो देखकर कुछ नहीं कर सकते, वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के साथ आप सेट स्क्वायर पेंसिल रबर कटर लेके बैठिए और कॉपी पे खुद से ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए, ड्रॉ करने के बाद आप देखिए कि आप कहां पर फंस रहे हैं, कहां तक आप कर पा रहे हैं, अगर उसके बाद कहीं दिक्कत होता तो फिर से आप वीडियो को देखिए, और वीडियो को देख के आप आगे उसको प्रिपेयर कीजिए। तो यहां तक आज आप समझ गए होंगे।
बाकी मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा बच्चों, धन्यवाद।